लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, मानव नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं क्या है? आँख सबके पास है? यस मैम। कितनी है? दो। दो आँख जो आप देख रहे हैं वो क्या कार्य करती है? देखने का कार्य करती है। और हम देखते कैसे हैं बता सकते हैं? क्या क्या प्रक्रिया होती है देखने की? आँख से दिखता है एकदम रात कर दिया जाए एकदम अंधेरा हो उस कमरे में तब भी दिखाई देगा आँख है प्रकाश सही है। तो वास्तव में होता क्या है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद जब वो हमारी आँख में प्रवेश करता है तो उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब जो है जो हमारी आँख के अंदर बन रहा है और फिर वो प्रतिबिंब जो है उसकी सूचना जो हमारे मस्तिष्क तक जाती है तब हमें वो वस्तु जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये देखने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। ठीक है, ये चित्र आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा मानव नेत्र है। वास्तव में बोर्ड नहीं खोला था क्या? यहाँ पर जनरली हम आँख देखते हैं जो हमें दिखाई देती है ऐसे ही है। ऐसी कुछ कुछ होती है आप अपनी आँख सामने से देखते हैं तो ये हमारी क्या है मानव नेत्र है या आंख है। ठीक है, अब इसको जब आप देखते होंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं बताइए। बताओ भाई क्या क्या भाग दिख रहे हैं आपको? तीन भाग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें जो दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक ये काला वाला भाग इसे कहा जाता है उंगली। समझ आ रहा है? Yes. एक थोड़ा सा ये भाग रहता है जिसको आयरिस या परितारिका कहा जाता है और ये कलर चेंज होने वाला भाग रहता है। ये तो सबका ब्लैक कलर का ही रहता है। Yes. और ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? आयरिस या परितारिका। ठीक है, इसको आयरिस बोलते हैं। ठीक, और एक यहाँ पर सफेद वाला भाग भी दिखाई दे रहा है जिसको क्या कहा जाता है? नहीं, स्वलेरा। क्या कहा जाता है? स्वलेरा। सफेद कलर का ना, तो यहाँ पर इसको स्वलेरा कहा जाता है। और इस तरीके से हमारी आँख की जो है वो संरचना आपको स्वलेरा ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये उतली, ये परितारिका और ये स्वलेरा। ये जनरली हम एक बार जब देखते हैं तो हमें फ्रंट इस तरीके से हमारी आँख दिखाई देती है। अब सभी लोग अपनी आँख को छू करके देखिए और यहाँ ऐसे यहाँ पर गड्ढे जैसा दिख रहा होगा और उसको देखिए कि उसके शेप को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इस वाले भाग में कोई गोला सा या कोई गोली सी रखी हुई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आँख की संरचना है वो कैसी दिखाई दे रही है? वो ऐसी दिखाई दे रही है। ये बाहर की अंदर ऐसी ही है मगर हमें दिखता केवल वो आगे वाला पार्ट ही है। आँख जो है वो पूरी हमारी जो संरचना इस टाइप की है। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि इसके कौन कौन से जो है वो भाग है हमारे लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा।